शहर में राशन की दुकानों पर शुक्रवार को खराब गेहूं बांटे जाने पर बवाल मच गया। शिकायत मिलने पर ही रसद विभाग की टीमें मौके पर नहीं पहुंची। शहर के वार्ड नंबर 34 में राशन की दुकानों पर जब उपभोक्ता गेहूं लेने पहुंचे तो उन्हें डीलर ने FCI से मिला गेहूं बांटा। गेहूं खराब होने की बात कहते हुए महिलाओं ने उन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। राशन डीलर ने बताया कि आगे से ही गेहूं खराब आने की पुष्टि हुई। उन्होंने महिलाओं को दूसरा गेहूं दिलवाया। सप्लाई किए गए स्टॉक की 2 बोरियों में खराब गेहूं था, इसे बांटने पर रोक लगा दी गई। वहीं होलसेलर्स का स्टॉक भी खराब निकलने की खबर है। इस मामले में स्थानीय निवासी भगवती ने रसद विभाग से साफ गेहूं की सप्लाई करने की मांग की है। जून के इस महीने में पूरी राशन की दुकानों पर गेहूं पूरा फंकस में आया। इंसान के खाने लायक ही नहीं है, पक्षी भी नहीं खा सकते। पूरे में काला और फंगस लगी हुई गेहूं है। वार्ड 34 के अंदर सिंधी की दुकान पे आज मैं गेहूं लेने गया तो उसके अंदर यह हाल पाया गया। बिल्कुल कुछ दाने तो काले हैं, कईयों में फंगस लगी हुई है। मैं खुद वापस उसको रिजेक्ट करके आ गया। सारी बोरियां उसने मेरे सामने 3-4 बोरियां खोल के दिखाई, 3-4 बोरियों में भी यही हाल था। आप कुछ कष्ट करके कार्यवाही करें जो आइंदा ऐसा गेहूँ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।